हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमी गुरुजी। आज हम लोग पढ़ेंगे जिब हेड की। ये की का एक टाइप है जिसको कि हमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जिब हेड की जो है। हेड की क्या है? सबसे पहले तो इसके हम डायमेंशन बताए। आपको यहाँ पे एक 3D फिगर दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं इसके सारी डायमेंशंस को हमने शो किया है। तो अब हम आपको इसकी डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपको शाफ्ट का जो डायामीटर है वो गिवन रहेगा, उसको हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, जो की विड्थ है, की विड्थ इसको हम बी से शो कर रहे हैं। विड्थ की विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई समझ लो, तो विड्थ बी से उसको हम d/4। इसके बाद फिर जो थिकनेस ऑफ की है, यानी कि की थिकनेस, या फिर आप हाइट एच से बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, थिकनेस ऑफ की, ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं d/6, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि जो हाइट है ओवर हेड, जो उसका हेड जो जिब हेड की के जो हेड तक है वहाँ तक, क्योंकि डिबेट की अगर आप देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता कैसे बता भी दूं कि ये की किस टाइप से होती है। ये मैं एक फिगर आपको 3D फिगर बना रहा हूँ, तो उसमें आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये उठाओ पोर्शन हेड है, इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब जरूरत हो हम इसको लगा सकें और आसानी से इसको निकाल भी सकें। तो ये तो हो गया यहाँ तक कि इसकी हाइट एच, जो स्मॉल एच हमने शो किया है। लेकिन जब ओवर हेड यहाँ तक आप ये हाइट लेंगे तो ये कितना होगा, कैपिटल एच, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.75 ऑफ स्मॉल एच, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, थिकनेस ओवर हेड। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ की इसमें थोड़ा सा क्या है, लेंथ कम है, कम होती है, की एल से डिनोट करते हैं, ये होगी डी से लेकर के 1.5 डी तक, ठीक है। तो ये होता है इसका लेंथ। अब आइए चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी दो व्यू ड्रॉ करेंगे, एक होगा साइड व्यू और दूसरा होगा फ्रंट व्यू। अगर आप इस जो फिगर देख रहे हैं उसमें साइड से देखें तो आपको साइड से जिस तरह से दिखेगा वो हमारा होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सिस लाइन अभी हम पहले सभी हल्की पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब जो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन करनी है, ऑब्जेक्ट लाइन, वो HB पेंसिल से रहेगी, और बाकी जो प्रोजेक्शन लाइन और ये सारी रहेंगी ये H4 या H3 पेंसिल से रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है। तो सर्कल डायमीटर जितना दिया हुआ है, तो शाफ्ट का डायमीटर आप जी देख रहे होंगे जो दिया है, इस पे लाइन पे कहीं भी हमने एक सेंटर मान लिया, और वहाँ पे यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया, एक क्या क्या सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो चलिए सेंटर मैंने माना और इस डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर, इसका हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी और उसका उतना लेके डिस्टेंस आप क्या करेंगे, मान लो ये सेंटर मारा तो इतना रेडियस की डिस्टेंस लेके इसको आप घुमा देंगे तो तुरंत आपका बन जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों एक्सेस खींच दे रहा हूँ जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो। एक्सेस लाइन क्या होती है, एक बड़ा डॉट फिर छोटे डॉट, इस तरह से डॉटेड लाइन जो होती है, बड़ा डॉट छोटा डॉट ऐसे करके एक्सेस लाइन होती है। तो हमारा ये क्या हो गया, सर्कल बन गया। अब हमको क्या बनाना है, देखिए अब हमको चाहिए क्या, इसका जो की बनाना है। तो की हम यहाँ पे शो करेंगे तो कैसे, की सबसे पहले विड्थ, तो विड्थ हम निकाल लेंगे वी इज इक्वल टू d/4, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से जितना भी हमारा वी का वैल्यू है, यानी विड्थ की वैल्यू है, तो सेंटर से हाफ इधर और हाफ इधर, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू क्या आई, 4 आई, तो आप सेंटर से 2 इधर और 2 इधर मार्क कर लेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल लेके ऐसे बोल रहा हूँ कि 4, ऐसा नहीं है कि 4 ही आई, वो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ से मैंने ऐसे लाइन खींच दी। इसके बाद फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमको निकालना है क्या, अब हम देखेंगे हमारा हाइट का पोर्शन, ठीक है। तो हाइट, हाइट मुझे देखना है, तो हाइट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एच जो हमारा लिया है ये d/6, तो एच जो मेरा d/6 लिया है उसको मैं देख ले रहा हूँ, देखिए तो एच इज इक्वल टू क्या है, d/6। तो इसको मैंने क्या किया,
फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एच की वैल्यू क्या किया मैंने, एच की वैल्यू मैंने क्या किया फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करने के बाद जितना आएगा उसका मैं इस सेंटर से हाफ इधर मार्क कर लिया और हाफ इधर मार्क कर लिया। तो जहाँ पर मैं मार्क किया इसको मैं क्या करूँ, सेंटर जहाँ मार्क किया वहाँ पर मैं क्या करूँ, ये कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इधर जहाँ पर मार्क किया है उस वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद देखो अभी क्या है, अब जो है आपकी बात क्या है कैपिटल एच, तो कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच 1.75 एच, तो यहाँ से आप 1.75 एच निकाल दो, वैल्यू निकालेंगे जितना आएगा, तो यहाँ से उसकी दूरी क्या होगी, तो ये देखिए मान लो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये हो गया, सॉरी इधर के, और हमने ये देखे यहाँ से किया, अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये हमारी जो हाइट हो गई देखिए ये वाला, ये हमारा क्या हो गया वन कैपिटल एच, कैपिटल एच का मतलब 1.75 ऑफ एच, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया, वैसे तो नहीं होगा यहाँ कहीं होगा, ठीक है कोई नहीं, अब मार्कर करेंगे। तो ये हमको मिल गया, तो ये हमारी विड्थ हो गई बी यहाँ पे ये वाला, और ये हमारा क्या हो गया कैपिटल एच, ये टोटल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको काट दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, यहाँ पे यहाँ कहीं होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था ना इसलिए, तो यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। इसके बाद फिर अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए अब ये हमने क्या किया इसको ड्रॉ कर लिया है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए जो पोर्शन यहाँ पे ऐसा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ रेड पेन से कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट लाइन है हमारी, जिससे कि हमको लिख कर समझना है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट लाइन को एक्सिस लाइन बीएचबी पेंसिल से होगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग थोड़ी गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन, मैं कई बार थोड़ा सा भूल जाता हूँ उसको ब्रश करने है, और की के बीच में जो लाइन है वहाँ पे हम वो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान दें इस तरीके से हम यहाँ से किया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, जो कि ये हमने पोर्शन साइड से दिखाया है, तो ये सेक्शनिंग करनी होगी हमको इसको, तो इसको हम क्या करेंगे 45 डिग्री पे हम क्या करेंगे इसके सेक्शनिंग कर देंगे, यानी हैचिंग कर देंगे 45 डिग्री की लाइन से, ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने क्या किया बना लिया, अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया। कि अब हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ से आपको ये तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है क्या साइड व्यू, क्या बन गया है साइड व्यू। अब हमको क्या बनाना है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया प्रोजेक्शन ले लिया है, चलिए ले लेते हैं प्रोजेक्शन, ये मैंने प्रोजेक्शन लाए, और यहाँ से मैं आया, तो यहाँ से मैं आया, ये मेरी यहाँ तक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है, ये मैंने क्या किया यहाँ से ले लिया, अब हमको यहाँ बनाना है, तो मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पे शेफ्ट बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ से शेफ्ट ये, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा शेफ्ट का ये पोर्शन हो गया, ये हमारा शाफ्ट का पोर्शन हो गया है, और फिर इस तरह से हम शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना लेंगे। शाफ्ट का देखो डायमीटर तो यहाँ पे लेंथ भी क्वेश्चन में दिया होगा जनरली, अगर नहीं दिया रहता तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर दिया है तो आप उसको लें, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसके बाद हम लोग को यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है, देखिए तो यहाँ से मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ हल्की लाइन, ये मैंने खींच लिया, फिर यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लिया, देखिए यहाँ से मैंने बहुत हल्की लाइन ये ड्रा कर लिया। इसके बाद जितनी लाइनें हैं तीनों, इस यहाँ से मैंने क्या किया प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ से मैंने आई एम सॉरी ये अलग लाइन थोड़ा सा पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे मुझे, ठीक है ये पहले प्रोजेक्शन है, तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन ले लिया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, एक सेक्शन
पोर्शन लेना है जितना भी हमने, जितना मतलब पूरा शाफ्ट का मैं नहीं ले रहा हूँ, तो शाफ्ट नहीं लिया जाता, तो जितने में हमको सेक्शनिंग करनी है उतना मैंने सेक्शन ले लिया, किसके अंदर हमको क्या करना है, सेक्शनिंग दिखानी है शाफ्ट में, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से आप यहाँ एग्जैक्ट ले। इसके बाद जो हमारा ये की वेज है, ठीक है, ये जो आ रहा है, तो ये की वेज यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा स्लॉट जो अंदर है वो इंड होगा, तो वहाँ पे हम इसको यह दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारा स्लॉट क्या हो गया, इंड हो गया, इसके बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसको दिखाना है। तो अब देखिए हमारी लेंथ क्या है, तो लेंथ हमारी एल इज इक्वल टू क्या है, 1 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमने लिया है एल इज इक्वल टू डी से 1.5 डी, तो चलिए मैं 1.5 डी मान लो ले लिया, ठीक है, तो 1.5 डी आपने ले लिया, उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो फिर अब आपने 1.5 डी ले लिया है, और यहाँ पर हमें लेना, तो मान लो जहाँ तक इसकी लेंथ आई, यहाँ चल मान लो मैंने शुरू किया, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसकी हमको लेंथ लेनी है, तो चलिए लेंथ जितनी आएगी मेरी, मान लो कि लेंथ क्या है, लेंथ मेरी है स्मॉल एल, जो कि है 1.5 डी, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मान लो ये मेरा आ गया 1.5 डी स्मॉल एल यहाँ तक। इसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे हल्की लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, हल्की लाइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए जरा, तो अब हमें ये मैंने बनाया, अब हमको क्या करना है, हमने क्या करना है 45 डिग्री, तो अपनी एमडी को 45 डिग्री पर लॉक कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप उसको रखेंगे, और यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे हल्के से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, अब जो हमारा ये जो हेड का लेंथ, अगर आप ये देखें तो हेड की टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपने यहाँ फिगर देखा है, तो यहाँ से लेके टोटल ये, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये डिस्टेंस आपकी होती है 1.5 h, कितनी होती है 1.5 h, तो आप यहाँ से 1.5 h की डिस्टेंस मेजर कर ले, और जहाँ तक है वहाँ पे मार्क लगा दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने उतना क्या किया, मार्क लगा दिया, और मार्क लगाने के बाद ठीक इसी के ऊपर देखिए, ठीक इसी के ऊपर मैंने क्या किया, खींच लिया है ये, ठीक है, इसी के ऊपर मार्क कर लिया, यहाँ से मतलब 1 पॉइंट कितना है इसकी डिस्टेंस, देखो मैं यहाँ पे ऊपर दिखा दे रहा हूँ, 1.5 h, तो h h मतलब स्मॉल h, ठीक है, 1.5 स्मॉल h, अब स्मॉल h की वैल्यू आप जानिए n/6 है, तो यहाँ तक मैंने किया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब इस पोर्शन को इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको की बना के इसका एक्चुअल अभी आपको दिखेगा इसमें सही से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बनेगा ये हो गया यहाँ से, ये 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट, फिर ये सीधा आएगा, फिर ये नीचे ड्रॉप, ये आपका क्या हो गया, आप देखें तो ये आपका की का ये पोर्शन बन गया, तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा आपको पेंसिल से, HB पेंसिल से करके वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि ये पोर्शन है तो ऑलरेडी 15 मिनट के लगभग वीडियो बन जा रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे, तो जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको मैं कर दिया, ठीक है। यहाँ से बाकी ये जो एंड है इसको भी दिखा दिए हैं ये, और यहाँ से अब हमको क्या करना, ये वाला जो पोर्शन हमारा है तो इसमें हमको क्या करना है, सेक्शनिंग कर देनी है, ब्रोकन सेक्शन है तो ये हमें सेक्शनिंग करके दिखा देनी है कि ये हमारे यहाँ का है, ठीक है। बाकी ये जो ब्लू लाइन से है ये बहुत आपको हल्की लाइन से बनाना है, जिससे कि आपको क्या हो, जिससे कि उसमें आपको वो यहाँ पे एक्चुअली गंदा गंदा दिखता है, तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, जो कि मैंने पेन से बनाया तो मैं मिटा नहीं सकता, इसलिए मैंने डार्क करके आपको दिखा दिया। तो ये आपका बन गया है साइड भी, और ये आपका बन गया है क्या, फ्रंट
फ्रंट व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जिब हेड की पूरी तरीके से बनके तैयार है दोनों व्यू। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।